तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल टूरिस्टिक इंडियन में। अब लास्ट वाली वीडियो में आपने देखा था, मैं अपने मुस्टैच वाले अपने हॉस्टल में पहुंच गया था आगरा में, और मैंने आपको हॉस्टल का व्यू भी दे दिया था, अपने रूम का कैसा व्यू चार था मेरा। और अभी ना यार भैया ने बताया था, भैया आए थे अभी 5 मिनट पहले, तो भैया ने बताया था यहाँ से ना बहुत अच्छा व्यूज़ आता है ताजमहल का हॉस्टल के टेरेस से। अभी हम सेकंड फ्लोर पे हैं, थर्ड फ्लोर से भैया ने बताया था अभी बहुत अच्छा व्यू आता है, तो अभी चलते हैं ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा व्यू आता है। अगर अच्छा व्यू होगा तो मैं आपको कैमरे में ज़रूर दिखा दूँगा, ठीक है। तो अभी बैग वगैरह ले लिया मैंने, जो थोड़ा बहुत भारी सामान था वो मैंने यहाँ पे रख दिया है। कि यार क्यों यार, आप समझ सकते हो इतना भारी सामान लेके इधर उधर घूमना, तो जो ज़रूरी सामान था जिसकी मुझे ज़्यादा चिंता थी वो मैंने ले लिया, इसकी बहुत ज़्यादा चिंता नहीं थी वो मैंने यहीं पर छोड़ दिया, देख लो आप, ठीक है। और अब चलते हैं यार, लाइट फैन वगैरह सब कुछ ऑफ कर देता हूँ और देख लो चलते हैं। यार, ये वाला अपना रूम था 302, और ऐसा है कुछ हॉस्टल काफ़ी अच्छा बना हुआ है। अभी तो यार गर्मी की वजह से ना ज़्यादा लोग यहाँ आ नहीं रहे हैं, तो कुछ ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं कर रखी भैया ने, और भैया बताते हैं स्टाफ का भी थोड़ा सा कमी है भैया के पास। देख लो यार पेड़ पौधे काफ़ी अच्छे लगा रखे भैया ने, और देख लो यहाँ पे ऐसा कुछ है, सामने भी बहुत सारे हॉस्टल हैं। सामने ट्रैवल मंकी करके एक हॉस्टल था, वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो मैं यहीं पे आना मुझे अच्छा लगा। देख लो यार ऐसा कुछ हॉस्टल के सामने का व्यू है, सामने एक होटल है ताज ऑफ हट ऑफ ताज, बैम्बू कैफ़े, फैमिली रेस्टोरेंट, और ये सारे यार ये ना मतलब कि ताज व्यू करके हैं, मतलब कि यहाँ से ताजमहल दिखता है, ताजमहल दिखता है, ये सब बोल के ये सब चल रहे हैं, ठीक है। और ये जो सड़क जा रही है ना, ये बिल्कुल ताजमहल की साइड जा रही है, ये आप सामने देखे होंगे टांगा आ रहा है, टांगे में बहुत सारे टूरिस्ट हैं ये, और ये भी सारे मुझे लग रहा है ताजमहल देखने जा रहे हैं, क्योंकि यार जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा शौक होता है टांगे का, उनको एक टांगे का ही क्रेज़ होता है, उनके लिए एक एक्टिविटी ये भी होती है टांगे पे राइड। ये देख लो यार ये सारे ऐसे सर संवर के और अपना सामान वगैरह लेके ये सब ऐसे आए हैं, ये सब घूमने आए हुए हैं, और देख लो मेट्रो में भी लोग लोड होकर जा रहे हैं, ये भी सारे घूमने वाले हैं जो ताजमहल देखने जा रहे हैं इस टाइम। देख लो यार अगर आप कैमरे में यहाँ पे देख पा रहे हो ना, सेम यार ताजमहल का व्यूज़ आ रहा है और बहुत शानदार आ रहा है। पहले ना मुझे ऐसे लग रहा था जो व्यू होगा ना वो इस बिल्डिंग सामने जो ऊंची सी बिल्डिंग है इसके पीछे छुप जाएगा, पर ऊंची सी बिल्डिंग के बिल्कुल थोड़ा सा इस साइड में आप देखोगे ना, कर दूंगा मैं अगर देख लूँगा अगर आप वीडियो में शो हो रहा होगा, तो थोड़ा सा इस साइड देखोगे तो बिल्कुल सामने ताजमहल दिखेगा आपको। तो देख लो यार ऐसा कुछ व्यूज़ है, ठीक है, और यहाँ से तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। हाँ अगर हमारा हॉस्टल ना थोड़ा सा और उस साइड होता ना, ज़्यादा नहीं, मैं कह रहा ये सामने ना पानी की टैंक, ये वाली ना पानी की टंकी है स्टेशन वगैरह के पास होती है, और यहाँ तक होता ना तो बहुत बढ़िया व्यूज आने थे, ठीक है। और देख लो यार ये कुछ सराउंडिंग्स हैं, अभी मैंने इंस्टाग्राम पे अपडेट दे दी थी, अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा मैं आपको दोबारा बताता हूँ, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, और सामने जो बिल्डिंग बन रही है उसका नाम है ताज रॉयल, ठीक है। तो फॉलो बाहर निकल चुका हूँ मैं, और अभी मैं जो मैंने आपको सड़क दिखाई थी ना जो ताजमहल की साइड जा रही है, अभी मैं उससे बिल्कुल सीधे सीधे ताजमहल की साइड चलता हूँ। और लंच मैंने ट्रेन में बैठ के कर लिया था, ठीक है, और अभी डिनर अभी मैं रात को करूँगा, बट अभी कुछ सामने खाने को मिलता है रास्ते में, तो मैं वो खाऊँगा और आपको दिखाऊँगा मैं क्या खा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब फटाफट से चलते हैं सामने जाके, सामने मुझे ना एक चौक दिखाई दे रहा है कि चौराया होता है, चौक दिखाई दे रहा है गोल चक्कर वाला, तो वहाँ से लेफ्ट मुड़ने पे हम बिल्कुल ताजमहल के बिल्कुल सामने वाली सड़क पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये दिखा देता हूँ मैं आपको, सामने से गाड़ी आ रही है ना यहाँ पे, सामने बिल्कुल सामने चौक है, ठीक है, वहाँ चलते हैं पहले, वहाँ से लेफ्ट लेके ताजमहल पहुँचते हैं। वैसे इस टाइम बंद हो गया होगा बट बाहर से हम व्यूज ले सकते हैं और देख सकते हैं आसपास का। यार अभी मैं यहाँ पर हूँ, ये फिर से एक चौराहा बना हुआ है, पिछले चौराहे से मैं लेफ्ट हो गया था, सामने लिखा हुआ है ताजमहल से बिल्कुल सीधा जाना पे एक किलोमीटर, और राइट जाने पे एक गांव है दादूपुरा, और देख लो यार बिल्कुल यहाँ पे जो सारा क्राउड है, क्राउड तो ज़्यादा नहीं है जितना भी है वो ताजमहल वालों का ही है, और ये यहाँ पे टांगे खड़े हुए हैं, ये आपको ताजमहल तक लेके जाएंगे, कुछ रिक्शा वगैरह भी खड़े हुए हैं, ऑटो रिक्शा या बैटरी रिक्शा ये सब, और यहाँ पे ना इसकी यार पार्किंग बनी हुई है जो अपने ताजमहल में जाते हैं ना लोग उनके लिए, बसेस के लिए, कार के लिए, हर एक चीज़ के लिए। देख लिया यहाँ पे लिखा हुआ है ताजमहल वाहन पार्किंग एंट्री गेट, यहाँ पे ना यार पार्किंग बनी हुई है, और मेरे को एक ये ना यार वॉकिंग स्ट्रीट लग रही है,
थाईलैंड वाले नहीं, मजाक ना उड़ाना ठीक है, थाईलैंड वाले नहीं, ये वैसे वॉकिंग स्ट्रीट लग रही है। वाओ, उनकी ज़्यादा हैवी व्हीकल्स अलाउड नहीं है इसके आगे। देख ले यहाँ पे कितनी सुंदर लाइट लगी हुई है ठीक है, और यहाँ पे छोटे छोटे पोल भी लगे हुए हैं भी, पैदल चलने वाले इससे इधर चले ठीक है इधर, और इधर राइट साइड में थोड़े पेड़ पुड़ ज़्यादा लगे हुए हैं। अभी मैं पीछे से आ रहा था तो मोरों की आवाज़ भी आ रही है ना, सेम ही वॉकिंग स्ट्रीट ही है, लोग इधर उधर सैर कर रहे हैं, ये इधर सैर करते हैं लोग पोल के लेफ्ट साइड में, और बीच में कोई डिवाइडर वगैरह नहीं है इस सड़क के, बिल्कुल पत्थर से बनी हुई है सड़क, जैसे ना चांदनी चौक में बनी है ना बिल्कुल वैसे। और अभी मेरे को प्यास काफ़ी लग रही थी यहाँ का ना यार, पानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ठीक है, मेरे को प्यास काफ़ी लग रही थी दिन में, तो मैंने बोतल वगैरह ले ली थी पानी की एक दो, बट अभी मैंने स्प्राइट इंजॉय कर रहा हूँ। अरे वाह, ये क्या था, इलेक्ट्रिक कार थी काफ़ी बड़ी, इसलिए 15-20 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, टूरिस्ट के लिए होती है ना, जैसी हमने पाकिस्तान में देखी थी यार, जो हमें उनकी इमिग्रेशन सेंटर से अपना मेन बॉर्डर पॉइंट तक लेके जाते हैं ना कार, उसमें। और अभी मेरे पीछे आ रहा है एक टांगा, दिखाता हूँ मैं आपको। गाना भी यार बहुत अच्छा लगा रखा है, होशो हवास में बरसों बीते ना, आप तेरा बताना मेरा बताना, तेरा बताना मेरा बता, पुराना गाना बढ़िया। वॉकिंग स्ट्रीट पे चल रहा था मैं तो यार, मेरे को ये क्या दिखा, दियो बुरोय आगरा, अमर विलास आगरा, दियो बुरोय अमर विलास आगरा, अगर कि देखो यार काफ़ी अच्छा है अंदर से, अंदर ना आग वगैरह नहीं चल रही है, जैसे मसाले चलती है ना वैसे, क्योंकि लो लाइट हो रखी है। और एक बार ना मैंने इस पर उनकी प्रेजेंटेशन भी दी थी अपने कॉलेज में, दी ओबरे ग्रुप पे, और वो कुछ खास अच्छी गई नहीं थी प्रेजेंटेशन, बट बाहर से काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी अच्छा लग रहा है दी ओबरे आगरा। अंदर ना बिल्कुल भी भीड़ यार उनके अंदर, तो अभी जाने एंट्री बंद हो चुकी होगी, और कि 7 बजे के 7:15 के आसपास का टाइम हो गया, बट इस साइड ना भीड़ है अभी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर हम रात को आते हैं ना, रात को कह रहे सॉरी, अगर हम ये दिन में आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती, और यहाँ तो पैर रखने की जगह ना। देख लो यार ये ताज नेचर वॉक ठीक है, और इधर देख लो आप, इधर भी लिखा है ताज नेचर वॉक, और इधर ना उनकी, अभी मैं अंदर गया था अंकल से मैंने बात करी थी, तो अंकल ने मेरे को ये बताया आप अंदर जा सकते हो, जो उनकी एडल्ट्स के लिए फीस उनकी टिकट है वो है 50 रुपीज़, जो उनकी 10 साल से नीचे के हैं उनके लिए 20 रुपये, और जो फॉरनर्स हैं नॉन इंडियंस हैं उनके लिए 150 रुपीज़ ठीक है। आप इसके अंदर जा सकते हो और घूम के अंदर सा उनके अंदर आपको मोर वगैरह दिख जाएंगे, और छोटे मोटे पक्षी वगैरह दिख जाएंगे, अलग अलग तरह के 3-4 तरह के पक्षी हैं अंदर, और आपको पैरट दिख जाएंगे, और अंदर से ना आप ताजमहल का व्यूज़ भी ले सकते हो अच्छे अच्छे, बस यही कुछ है अंदर। अंकल ने बताया था ये सुबह खुलता है 6 बजे से शाम को 6 बजे तक, बट अंकल ने भी मना कर दिया, अंकल कहते हैं अभी आप जा नहीं सकते क्योंकि अंदर, अंकल कह रहे हैं बल्कि सेफ नहीं है इस टाइम ना, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल अंधेरा, अंदर लाइट्स वगैरह है नहीं कुछ भी, और बिल्कुल सब पेड़ वगैरह है, कोई सड़क नहीं है, आपको कच्चे कच्चे रास्ते में से चलना है, तो यही तो है नेचर वॉक। देख लो बिल्कुल शानदार लग रही है सड़क, जो लाइट्स वगैरह है ना बहुत शानदार लग रही हैं, बीच में आप लाइट्स में चल रहे हो, और अब तो ट्रैफिक भी नहीं है ना, बल्कि पीछे से कोई भी नहीं आ रहा, कोई बाइक एक्टिवा ऑटो वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा ठीक है, तो उस वजह से ना और भी शानदार लग रही है, बिल्कुल शांत है आप चल रहे हो, और बिल्कुल शांत है मतलब कि, और अपने यहाँ पे लोग भी कम हो गए ऐसे, तो उस वजह से और भी मज़ा आ रहा है।
ये देख लो यार, जो सामने आप स्टोर देख रहे हो ना, यहाँ पे ना मकराना से लाया हुआ मार्बल मिलता है। मकराना से मार्बल मंगवाते हैं, उसके ऊपर कारीगरी करवा के बेचते हैं। और ये भी वही चल रहा है जो दोनों साइड मैंने आपको बताया था, और मार्केट है। सामने मंदिर है, सिर्फ प्राचीन पंचेश्वर महादेव मंदिर, ओम नमः शिवाय। और ये थोड़ा सा आगे चलते ही बिल्कुल गेट आ गया, इधर भी यार एक मंदिर है, गौरी शंकर मंदिर, पूर्वी गेट ताजमहल लग रहा, ठीक है। और बिल्कुल ये सामने है ताजमहल की एंट्री, ये गेट है पूर्वी गेट, मतलब ईस्ट साइड वाला गेट। और ये भी अभी मार्बल मंगवाते हैं मकराना से, और इसके ऊपर भी नक्काशी करवाते हैं, सारा ही मकराना का। और देख लो यार, यहाँ पे सड़क एंड हो गई है, और यहाँ से एक रास्ता जा रहा है राइट में, एक लेफ्ट में, और सामने एंट्री है ताजमहल को, ठीक है। अब सैर करता हुआ, और चलो वापस अपने हॉस्टल तक चलता हूँ ऐसे ही। अभी तक मैंने आपको काफ़ी कुछ दिखा दिया है, और जो नहीं दिखाया है, जो छूट गया है, वो आपको अब वापसी में दिखा दूँगा, ठीक है। तो देख लो यार, वैसे हम पहुँच चुके हैं एक बार। ये देख लो, ये जो सामने रूम दिख रहे हैं ना, ये फोर्ट जैसा होटल दिख रहा है सामने, बिल्कुल सामने, तो यही है ओबेरॉय, और बहुत ही सुंदर दिख रहा है यार। तो देख लो यार, अभी इधर से हम आ रहे हैं, ठीक है, और ये है ओबेरॉय अमर विलास, ठीक है। और देख लो यार, अंदर मिसाल टाइप चल रही है, और इसकी फ़ोटोज़ अभी मैंने इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दी हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा था, अब मेरे को फॉलो कर लेना। देख ले, अंदर मसाले चल रही हैं, मेरे भैया खड़े हैं, तो इसलिए मैं आपको कह रहा था, अब मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, ताकि आपको जो जैसे मैं अपडेट देता हूँ, रिसेंट अपडेट आपको मिलती रहे। तो देख लो यार, अभी मैं पहुँच चुका हूँ जहाँ से मैं अपना वॉकिंग स्ट्रीट के लिए मुड़ा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर सामने वाली सड़क पर मेरा हॉस्टल है, लगभग यहाँ से 200 मीटर ही है, ज़्यादा नहीं है। इधर 500 मीटर में वॉकिंग स्ट्रीट है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। और ये जो आपको मैंने सड़क दिखाई दी है, तो बताइए आपको बिल्कुल सीधा ताजमहल की साइड जा रही है, ठीक है। देख लो यार, लाइट्स कितनी अच्छी लग रही है वीडियो के बीच में, है ना। तो यार, इस वाली वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबी हो चुकी है, ठीक है। और आपको पता है आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, और वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट करना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है जो अपना ताजमहल घूमने जाते हैं या फिर आगरा घूमने जाते हैं उनके साथ। मिलते हैं अब आपसे कल सुबह, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। वाह।